रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला आया सामने। कलयुगी मां ने जन्म देते ही बच्ची को फेंका झाड़ियों में। पूरा मामला राठ कोतवाली क्षेत्र के नवैनी गांव का है, जहां पर कलयुग मां ने एक नवजात बच्ची को जन्म देते ही झाड़ियों में मरने के लिए फेंक दिया। वहीं सुबह गांव की महिला स्वच्छ करने के लिए खेतों की ओर गई तो देखा बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। पास जाकर देखा तो झाड़ियों पर एक नवजात बच्ची रो रही थी, जिसको उठाकर गांव की इंद्र कुमारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर नवजात शिशु की हालत ठीक बताई जा रही है। घटना की जानकारी लगते ही गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। गांव की कुछ औरतों ने बताया कि देवी मां की कृपा से बच्ची की जान बच सकी। जहां देश में एक तरफ नवरात्रि के त्योहार पर मां दुर्गे की पूजा चल रही है, वहीं कलयुगी मां ने इस घिनौने कृत्य करके। इंद्र कुमारी, अच्छा ये जो बच्ची मिली है आपको कहाँ मिली है? ये हमारे खेत पे पड़ी मिली। अच्छा कितने टाइम और आप क्या करने गए थे? हम अपनी सास के फूल भेज के आए थे बाहर गांव लो, तो लेटर में गया, लेटर में गए तो आवाज सुना, तो हमने कही कुतिया उतिया बयान तो पिल्ला चिड़चिड़ा रहे। जब आवाज सुनानी बच्ची कैसी, सो फिर दो तीन जने कहा लेते तो बच्चा सुन लो, सो सब जने भगत गए देखा, सोते रहा बच्ची को उठाई कि जिंदा ही है, चलो उठा जाए। आप अस्पताल आ गए, बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची ने मैंने दूध पिला दिया है और हेर भी लेती है, रो भी लेती है। घायल अवस्था में है, उसका कांटे लगे हैं, दंठे में कांटे लगे हैं और चोटें भी हैं, फटक गई गई है, सन्ना गई है खेतों में, तो कांटे आटे गए, कांटे लगे हैं दंठे के बमुड़ के। हमीरपुर जिला ब्यूरो चीफ अमित कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।